अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलमान कमर, आप देख रहे हैं एक्स फैक्ट पी के। जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो हमारी आज मवेशी मंडी के हवाले से जा रही है और यहाँ मवेशी मंडी बहुत सी चीज़ें हैं, खाना है, पीना है, जूसेस है। तो एक बड़ा अच्छा ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट भी मिला है हमारे सैयद मोहम्मद ताहिर भाई, इसे चला रहे हैं और इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, मवेशी मंडी के बारे में पूछते हैं और आजकल के हालात के बारे में भी पूछते हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? भी अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। ताहिर भाई, ये रौनक जो भी मवेशी मंडी में है, पहले की नस्बत अभी आप क्या देखते हैं? हम 2014 से इस मंडी में, इस फूड इंस्टीट्यूट को लाने वाले हम लोग हैं। 2014 से मतलब मंडी में जितने भी मतलब साल गुजरते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट होती जा रही है और यहाँ की जो इंतजामिया है उसके मामले बहुत बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। मतलब कोई इसके अंदर वो नहीं है कि यानी आदमी अपनी फैमिली को ला के मज़े से, सुकून से, बगैर किसी डर खौफ के पूरी मंडी में आ सकता है, घूम सकता है, कैटल फार्म में जा सकता है, फास्ट फूड में आ सकता है। उसके बाद फिर ये जो हमारा बिलाल ब्रोस है, इसकी हमारी जो मेन ब्रांच है, वो मेन ब्रांच हमारी गुरु मंदिर न्यू टाउन की मस्जिद के नीचे है। हाँ जी जी, तो वो जो हमारी मेन ब्रांच है, सेम वही चीज़ हमारी यहाँ पर भी है। क्वालिटी भी मुझे वही नज़र आ रही था। बिल्कुल वही क्वालिटी है, क्वालिटी भी वही है, प्लस जो चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं वही चीज़ें यहाँ चल रही हैं। और ख़ास बात ये है कि SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जा रहा है। और दूसरी जो ख़ास बात है, जो ब्रांड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो साइज़ हम वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रोस का, वही साइज़ भी यही है, वही ब्रांड भी यही है। मुझे लोगों ने भी बताया, क्योंकि लोगों ने सजेस्ट किया कि ऐसा बड़ा प्यारा सा ढाबा है यहाँ पे और स्टाइल रेस्टोरेंट, तो आप उधर लाजमी जाए। फिर इतफाक़ से पता चला ये तो बहुत पुराने फेमस कराची के हमारे जानने वाले हैं ताहिर भाई, बिलाल ब्रोस वाले। और सबसे बड़ी नाज़रीन, आप स्क्रीन पर जो मैं भी आपको कार्ड दिखा रहा हूँ उनके प्राइस की, इस महंगाई की हालत में भी इतनी महंगाई हो गई है कि पेट्रोल तेल सब चीज़ें पाँच से बाहर हैं, मगर अभी भी रेट इनके बहुत मुनासिब हैं। और यहाँ मैंने बहुत से कस्टमर से भी बात की है और मजीद से भी करूँगा, तो रेट के हिसाब से इनका क्वांटिटी, साइज़ वगैरह सब बहुत बेहतरीन है। अच्छा ताहिर भाई, मुझे ये बताएँ कि मंडी की रौनकें अभी कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? देखिए, ये पीर, मंगल, बुध, ये तीन दिन स्लो होते हैं क्योंकि लोग मतलब वीकेंड वगैरह होता नहीं, आपको पता है छुट्टियाँ हैं नहीं, दो तीन दिन जो है ना वो उस तरीके से होते हैं। उसके बाद मंडी माशाल्लाह ठीक ठाक तरीके से चलती है। हाँ, एक आपके चैनल के तवस्सुत से एक बात और भी करना चाह रहा हूँ मैं, हमारा जो बेसिक काम है वो है गुरु मंदिर न्यू टाउन मस्जिद में, उसके बाद कुर्बानी के बाद, कुर्बानी के बाद हंटर बीफ, चटपटी रान, सालिम बकरे, यहाँ तक के सालिम ऊँट तक हम बनाते हैं। माशाल्लाह, सालिम ऊँट भी बनाते हैं। हम तो हंटर बीफ बकरे ये तक सुना था भाई, ये अब तो ऊँटों पे आ रहे हैं। और आप यकीनन इनका एक दफ़ा जायका ज़रूर टच करें, जिसने पाकिस्तान में इनका जायका टच किया है वो लोग अभी देख रहे हैं, उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ और, हमने मारखोर भी बनाए हैं यहाँ पर, मारखोर भी बनाए हमने। सालिम बकरे तो आम सी बात है, वो तो मतलब आप देख भी रहे होंगे हमारी बारिश में, मारखोर भी बनाए। और 13 अगस्त को आप हमारी ब्रांच में आइएगा, क्योंकि वहाँ सेरेमनी होती है हमारी, क्योंकि 13 अगस्त को ही हमने ओपनिंग की थी लाल ब्रोस की। तो उसमें ये होता है कि आपको इंशाल्लाह या तो मारखोर मिलेगा या कोई ऊँट मिलेगा सालिम। इंशाल्लाह ताला ताहिर भाई, हम तो मारखोर और ऊँट की कवरेज करने लाजमी जाएंगे और अगस्त करीबी है। और ये बिलाल का खास आइटम है ये। बिलाल का खास। हाँ। अच्छा, ये बिलाल के बारे में थोड़ा सा मुझे यहाँ बताइएगा, हमारे नाज़रीन भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये ब्रांच आपकी कितनी पुरानी है और ये शुरू कैसे हुई? ये ब्रांच हमारी जो है, ये हाजी हनीफ, ये इंडिया से करते हुए आ रहे हैं, इंडिया से कनेक्टेड। स्पेशलिटी जो है ना हमारी, वो है हंटर बीफ, वो स्पेशलिटी है हमारी। हंटर बीफ का काम था, हंटर बीफ बर्गर, कभी आप आइएगा, बैठिए, आपको खिलाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। उससे ये सारा सिस्टम चला, फिर उनके नस्ल दर नस्ल बढ़ती गई तो कोई बिलाल बन गया। नहीं, बिलाल बन गया, और फिर जायका तो खैर वही है और क्वालिटी वही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिलाल भाई, मुझे पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में आप आवाम से कुछ कहना चाहेंगे? ताहिर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के हालात तो अल्लाह खैर करे, आज ऑयल जो है वो 600 रुपये पहुँच गया, कल उम्मीद ये, असल में हम लोग
मिफ्ता इस्माइल साहब को जैसे ही देखते हैं ना स्क्रीन पे, फौरन पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं कि ये किसी तरह भी जो है ना वो रेट बढ़ जाएंगे पेट्रोल के। तो जैसे ही मिफ्ता इस्माइल को देखते हैं हम लोग फौरन पेट्रोल पंप पे लेने ₹40 ₹50 बढ़ेंगे भाई, ये सब चीजें बढ़ गई हैं। अब तो मेरा ख्याल है लोगों की पहुँचे दाल रोटी भी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बस हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब को अल्लाह हिदायत दे, बस उनकी शक्ल देख के हम लोग पंपों में जाते हैं फ्यूल अपना फुल करा लेते हैं। वैसे आजकल लोग जो ब्लड प्रेशर की दवा नहीं भी खा रहे थे, सही कह रहे हैं भाई कि सब 100% लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गए, और मौजूदा हालात की वजह से बजाय बिगाड़ने मतलब संभालने के बिगाड़ रहे हैं। हम किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी इदारे को गलत नहीं कहते। एक रिसर्च थी, साइंस की रिसर्च थी कि ब्लड प्रेशर जो है 110/70 नॉर्मल था, फिर एक टाइम आया 120/80 नॉर्मल कर दिया, फिर एक टाइम आया 130 और 85 नॉर्मल कर दिया, अब 140 और 90 भी नॉर्मल कर दिया। नॉर्मल कर दिया कि ये नॉर्मल है, क्योंकि आजकल हम सो भी रहे हैं तो लोग सो नहीं रहे हो तो जाग रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, सिर्फ आगे बंद होती है। सोता आदमी दिमाग से, दिमाग तो फिर वो पेट्रोल पे लगा हुआ है, सुबह के नाश्ते पे लगा हुआ है, क्योंकि नाश्ता लेने जाओ तो ₹1000 का नोट पता नहीं लगता किधर गया। तो आजकल जो है ना हालात ऐसे ही है। भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इन्होंने इस वक्त कीमती वक्त दिया, हालांकि रश बहुत है, और माशाल्लाह इन्होंने 2-3 बातें बड़ी अच्छी बताई। एक तो मालखोर वाली, एक साली मोट वाली, और 13 तारीख चूँकि इनकी ओपनिंग हुई थी बिलाल ब्रोस की, तो 13 तारीख को ये इसकी सेरेमनी मनाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नाज़रीन हम लाजमी उस दिन इनके कवर करने के लिए पहुँचेंगे, सब चीज़ें आपको दिखाएँगे भी, तैयारी की मराइल से ले कर इख्तिताम तक इनकी सेरेमनी का। और मैं ये कहूँगा कि फिर लाजमी बिलाल पे अभी आप जहाँ भी इनकी ब्रांचेस हैं इधर आ जाएं, आप मंडी पे आ जाएं या जहाँ भी जाएं, आपको वही जायका गुरु मंदिर पे है, और वही जायका, वही क्वांटिटी, वही क्वालिटी और उसी प्यार के साथ मिलेगी, तो लाजमी आए। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया।